जुड़ते हैं, लेकिन फिर क्योंकि आप सबकी ये समस्या है कि आप खुद ही ब्रेड अर्नर्स हैं फैमिली के लिए, तो यहाँ तक आप नहीं आ पाते, लेकिन आपको ये संगठित होना पड़ेगा। जब तक आप संगठित नहीं होंगे तब तक ये लोग आपकी सुनवाई नहीं करेंगे। इस देश में सारे पटल सिर्फ महिलाओं के लिए हैं, सारे लॉ, सारा प्रजातंत्र, 50 कानून सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुष की कहीं सुनवाई नहीं है। ये सिर्फ एक फॉरगॉटन जेंडर के नाम पे रह गए हैं, सिर्फ काम करते रहेंगे, एक एटीएम की तरह है, स्पर्म डोनर्स की तरह है, बच्चा पैदा कर दे और माओ को मिल जाए। पुरुषों को बच्चों के मिलने के लिए भी कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, लाखों रुपए पहले पत्नी को देने पड़ते हैं तब कहीं बच्चे का मुंह देखने को मिलता है, और फिर भी कोई जरूरी नहीं है कि वो जो जहर घोला गया है बच्चे के मन में वो कितनी देर आपके साथ टाइम व्यतीत करेगा। क्या सिर्फ पिता का कोई हक नहीं है अपने बच्चे के ऊपर? क्या वो पिता सिर्फ अपने बच्चे के लिए स्पर्म डोनेट करके उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, या सिर्फ एक एटीएम की तरह उसको हमेशा पैसे देता रहे? अगर पैसे नहीं है उसके पास तो क्या उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है? ये किस तरफ हमारा देश जा रहा है? ये फादरलेस सोसाइटी हमें एक क्रिमिनल सोसाइटी देगी, क्योंकि ऐसे बच्चे जो सिर्फ एक पेरेंट के पास, जैसे सिर्फ माता के पास ही रहते हैं, वो ज्यादातर क्रिमिनल्स बनते हैं, क्योंकि उनका पढ़ने में भी लिखने में कोई ध्यान नहीं रहता। तो क्या हम चाहेंगे ऐसे क्रिमिनल्स बढ़े देश में? हाल ही में आपने देखा होगा हमारे देश में बहुत सारे कानून लाए जा रहे हैं बाहर से, एक नई चीज उठा के ले आए हो, मीटू कैंपेन। ये मीटू कैंपेन क्या था? ये इस देश का बिल्कुल बेड़ा गर्क करने के लिए लाया गया कैंपेन था, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, पूरी तरह से नष्ट और नाबूद करने के लिए लाया गया था, क्योंकि इसका मेन उद्देश्य था, ये बैठ में फेल हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने तक कहा कि यहाँ के लड़के सेफ नहीं है, तो ये इसे उठा के भारत में ले आए। आप भारत में ले तो आए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई 20 साल बाद, कोई 25 साल बाद, कोई 10 साल बाद किसी भी मैडम को याद आए कि अच्छा आज कुछ करते हैं।